हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आप काफ़ी परेशान हैं इंग्लिश के वीडियोस को लेकर, और बस कुछ दिन की और बात है, मैं बहुत जल्द आपसे लाइव रात 9 बजे अपने पुराने टाइम पर ही जुड़ेंगे और फिर से हम लोग शिक्षा का आंदोलन करेंगे। और मुझे पता है कि मेरे सारे बच्चे होमवर्क ज़रूर कर रहे होंगे। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको लगेगा सर होमवर्क की क्या बात है। तो बच्चों, जिस ग्रुप में आप ऐड हैं वहाँ पर आपको इंग्लिश की पीडीएफ फॉर्म मिली होगी जिसमें नरेशन दिए गए हैं, आप उनको सॉल्व ज़रूर करें अपनी नोटबुक में। फिर हम उनको एक एक करके मैच करेंगे और फिर हम लोग स्कोर की बात करेंगे, किसके कितने ठीक हुए हैं, ठीक है। और जो आपकी कंप्लेन है वो सब दूर कर दी जाएगी बहुत जल्द। और मैंने एक मैसेज भी किया है ग्रुप में कि कुछ दिन के बाद दिवाली के पहले 2 मैराथन क्लास रखी जाएंगी जिसमें पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग ख़त्म कर लेंगे। तो बिल्कुल आप रेडी रहिए पढ़ने के लिए, और ऐसा मत सोचिए कि सर अब नहीं आएंगे। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर कहाँ चले गए, बिल्कुल सर सही सलामत हैं, बढ़िया आगरा में सर इस समय हैं, एग्ज़ाम देने आए हैं सर, और बहुत जल्द आपसे मिलेंगे बच्चों। 6 तारीख को, 5 को दशहरा है, 4 तारीख को नवमी है। बिजी शेड्यूल है थोड़ा सा, तो क्लास लेना मुश्किल है, लेकिन मैं कानपुर 4 तारीख को आ जाऊँगा और क्लासेज आपकी स्टार्ट लेकिन 6 तारीख से ही होंगी, ठीक है। तब तक आप दूसरे सब्जेक्ट से जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं उस पर कंसंट्रेट करें और पूरी मेहनत से आप उस पर अपने कार्य को आगे बढ़ाएं, ठीक है बच्चों। और अगर कोई आपका सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसका आंसर दे दिया जाएगा आपको। और बिल्कुल परेशान मत होइए आप, सारा कोर्स आपका इंग्लिश का कम्प्लीट होगा। आने के बाद फिर से पुराने तरीके से ही बाबा शिव कंटिन्यू वाली स्टाइल में हम लोग जुड़ेंगे और अपने कोर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर हम लोग 6 तारीख को रात 9 बजे लाइव क्लास में और डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस का, ठीक है बच्चों। तब तक चलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।